गोंडा जिले में दीपावली त्योहार में जहर घोलने के लिए सक्रिय हुए मिलावटखोर माफिया। रिपोर्टर हामिद अली गोंडा यूपी से। पिकअप वाहन द्वारा कानपुर से गोंडा लाए जा रही भारी मात्रा में नकली मिठाई को खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा। नकली सोन पापड़ी, मिल्क केक, बूंदी सहित 20 कुंतल सामग्री हुआ बरामद। गोंडा बस स्टैंड के पास खपाया जाना था नकली मिठाइयों का जखीरा। एमएस शानदार इंटरप्राइजेस फर्म कानपुर द्वारा श्री बालाजी के धार्मिक नाम का उपयोग कर भेजी जा रही थी जहरीली मिठाइयों की खेप। हरी मोहन कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर के जी। क्या है, सामान लेके आए, कहाँ से उठाए और कहाँ ले जा रहे हैं? कानपुर से लेके आए थे हम सर, ठीक है, और गोंडा में खाली करने आए थे सर। गोंडा में कहाँ? कहाँ, यही पे बस स्टॉप के पास बुलाया गया था हमको। नाम बताओ, यहाँ ले जाना। यही कौन सा चौक पड़ता है सर इधर? हम यहाँ खाली करने आए थे गोंडा में। वहाँ कहाँ से माल उठाए थे? कानपुर में या आपके किदवाई नगर से। नाम बताओ जहाँ से उठाए हो। किदवाई नगर चौराहे के पास से। चौराहा नहीं होता है ना, दुकान, फर्म, फैक्ट्री। फर्म पहली बार गए सर, हमको फर्म का नाम नहीं मालूम है, हम पहली बार गए हम। कितना बजे वहाँ से चले थे? वहाँ से लमसम चले सर 9 बजे चले थे वहाँ से। 9 बजे जी। यहाँ कितना बजे पहुँचे? यहाँ सुबह 5 बजे पहुँच गए थे सर। तो कितना बार माल ला चुके हैं? इनका पहली बार लाया हूँ। दूसरे का नहीं लाया, बस ये पहली बार, ये पहला भाड़ा मैंने इनका मारा है, नहीं तो मैं मार। हमें ये सोन पापड़ी हम लादा नहीं, हम पहली बार लादा है। अब फिर दोबारा ऐसा सामान ला देंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं जिंदगी में, लाइफ में नहीं ला देंगे। लोगों की जिंदगी ऐसे बर्बाद हो रही, लोग मौत के मुँह में जा रहे हैं ऐसे नकली सामान से। आपको इसका कुछ है सर? हमको मालूम होता, आज मालूम हुआ, आज मालूम हो गया। अब क्या करेंगे आगे? आज से कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा माल ही नहीं ला देंगे हम बिना।